अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज मी मुनीबा खान। टुडे आई एम हियर विद अनदर मोस्ट वांटेड टॉपिक। यस, आज का फिर से मेरा एक टॉपिक बहुत ही ज्यादा वांटेड है। रोल ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इन पाकिस्तानी सोसाइटी। जब टॉपिक बहुत वांटेड, मोस्ट वांटेड है, तो स्पेशल गेस्ट भी मोस्ट वांटेड है। तो टुडे विद अस सुहेल सर हांदी। थोड़ी सी इनकी जो हिस्ट्री है, इनका जो बैकग्राउंड, इनका एक्सपीरियंस है, वो रिलेट करता है ज्यादातर इंग्लिश लैंग्वेज से, रिसर्च से। नाउ अडेज ही इज डूइंग लेक्चरर इन असिस्टेंट प्रोफेसर इन इकरा यूनिवर्सिटी। ही होल्ड इन द फील्ड ऑफ मोबाइल लर्निंग इन द इंग्लिश एज एन फॉरेन लैंग्वेज फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ फ्री स्टेट साउथ अफ्रीका। He have 10 years and more than 10 years experience in international universities or workshops and seminars. He conducted also the seminars for the youth motivation के लिए, लोगों के, बच्चों के लिए या यूथ के लिए, मोटिवेशनल स्पीकर्स के लिए, स्पीकर की तरह ये जाते हैं और प्रेजेंट करते हैं और लोगों को मोटिवेट कर रहे होते हैं। इसके अलावा जो इनकी मेन रिसर्च है, ही आल्सो हैव आर्टिकल ऑथर। तो इनके पास एक बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस है कि किस तरह से जो है वो इंग्लिश लर्निंग को हम प्रमोट कर सकते हैं और किस तरह से जो इन्होंने अपने आर्टिकल्स के अंदर बहुत मेनली ये चीजें डिफाइन की हैं। इसके अलावा इनकी जो मेन जो थ्योरी होती है आर्टिकल से रिलेटेड या रिसर्च से रिलेटेड, जिसपे वो काम करते हैं, वो प्रोफेशनल डिवेलपमेंट, इंग्लिश लर्निंग, मोबाइल लर्निंग के जरिए किस तरह से हम इंग्लिश लैंग्वेज को सीख सकते हैं और बहुत कुछ, और जो भी कुछ इनके बारे में और भी बहुत कुछ अभी खुद से डिफाइन करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। हेलो वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू मुनीबा, आपने दीदा, मुझे हाउ आर बुलाया। यू सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम गुड थैंक यू फॉर इनविटेशन। सर, आपको आपने क्या पहले ही लगता इतना है? लंबा चौड़ा आपने पहले ही इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो मेरे लिए तो कुछ बचता ही नहीं है कि मैं क्या बताऊं। इतना सारा कुछ कैसे कर लिया इतनी सी लाइफ में? इतनी सी लाइफ, लाइफ तो बड़ी है, बहुत बड़ी लाइफ है, लेकिन और अभी तक कुछ काम तो नहीं कुछ नहीं है किया। ना। मेरा ख्याल है कि मैंने अभी तक कुछ किया ही नहीं है, अभी स्टार्ट कर रहा हूँ कुछ करने को। तो अभी तक जो इतना कुछ कुछ किया करने के सिर्फ बाद अपने लिए किया। मेरा ख्याल है कि कुछ किया नहीं है अभी तक। मैंने सिर्फ जो भी किया है सिर्फ अपने लिए किया है, कि सिर्फ अपना मैंने बेस बनाया है कि चले आगे मैं कैसे किसी को सर्व कर सकता हूँ। तो मैंने अभी तक कोई कम्युनिटी के लिए कुछ नहीं किया। ट्राइंग, आई एम ट्राइंग माय बेस्ट, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन जो भी किया है सिर्फ मैंने अपने लिए ही किया है फिलहाल। और आपने बात की मोटिवेशनल स्पीकर, बेसिकली मैं मोटिवेट करने नहीं स्पीकर? जाता, मैं कोशिश करता हूँ कि अपने एक्सपीरियंसेस शेयर करूँ, और अगर मेरे एक्सपीरियंसेस से कोई इंस्पायर होता है तो आई एम लकी कि चलें कोई इंस्पायर हो रहा है मेरे मोटिव मेरे एक्सपीरियंसेस से। सर, आपको आपका क्या ओपिनियन है इस पे कि क्या रोल होता है इंग्लिश लैंग्वेज का? मोस्टली तो इंग्लिश लैंग्वेज अब तो फॉरेन लैंग्वेज बन गई है, लेकिन इन पाकिस्तान आपका क्या ओपिनियन है कि इंग्लिश लैंग्वेज किस तरह से अपना रोल प्ले कर रहा है इन पाकिस्तान? देखिए, पहले तो हम बात करते हैं कि लैंग्वेज कैसे रोल प्ले करता है। लैंग्वेज का बहुत बहुत ही मेरा ख्याल है बहुत ज़्यादा असर होता है उस सोसाइटी पर जहाँ वो बोली जाती है। और जब बात करते हैं कि इंग्लिश लैंग्वेज की, तो इंग्लिश लैंग्वेज ने बेसिकली बहुत सारी चीज़ें चेंज की हैं हमारी सोसाइटी में। कुछ अच्छाइयाँ भी आई हैं, उसके साथ साथ मेरा ख्याल है, पर्सनली मैं सोचता हूँ कि बहुत ज़्यादा हमारे पास प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हुए हैं इसी लैंग्वेज की वजह से। हमारे यहाँ डिविजन्स हुई हैं, कम्युनिटी में डिवीजन हुई हैं, हमारे यहाँ ज़्यादा क्लासेस बने हैं जिसमें आपका एक वो क्लास है जो इंग्लिश बोलता है, एक वो क्लास है जिसको इंग्लिश नहीं आती। ये बहुत बड़ी चेंज आई है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें कि दुनिया से मीट करने की, तो जी ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है इंग्लिश। उसकी वजह यह कि जो भी रिसर्च हो रही है, अनफॉर्चुनेटली वो रिसर्च पब्लिश सिर्फ एक ही लैंग्वेज में हो रही है मोस्टली, जो इंग्लिश है। अगर हम जो रिसर्च कर रहे हैं, अगर उसी रिसर्च को हम अपने लोकल लैंग्वेजेस में, इंडिजिनियस लैंग्वेजेस में प्रोमोट करें या उनको पब्लिश करें या एटलीस्ट ट्रांसलेट करके प्रेजेंट करें, तो मेरा ख्याल है इससे
एक तो लैंग्वेज की जो हमारी लैंग्वेज है उसकी एक स्टेबिलिटी भी रहेगी, उसके अलावा ज़्यादा शऊर पैदा होगा लोगों में रिसर्च के हवाले से, नई चीज़ों के हवाले से। क्योंकि अगर इंग्लिश नहीं आती हमें तो बेसिकली हम दुनिया के जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं या जो डेवलपिंग आइडियाज़ हैं हम उनसे कट जाते हैं। तो इसके लिए मेरा ख्याल है सबसे ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो ये है कि इंग्लिश का इम्पोर्टेंस और इंग्लिश का बेसिकली जो इम्पैक्ट हो रहा है हमारी सोसाइटी पे, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, उसको बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। ओके तो सर, आपको लगता है एक तालीम याफ्ता होने के लिए इंग्लिश याफ्ता होना जरूरी है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है मुनीबा। तालीमी याफ्ता होना बेसिकली ये जो 1995 में यूनेस्को की डेफिनेशन है लिटरेट की, उसने असल में बहुत ज्यादा बिगाड़ पैदा किया है हमारी सोसाइटी में। जो लिटरेट की उनकी डेफिनेशन है वो कह रहे हैं कि लिटरेट सिर्फ वो ही है हु कैन रीड एंड राइट, ये उन्हीं को लिटरेट समझ रहे हैं। और जैसे ही इस डेफिनेशन को या इस कोट्स को प्रोमोट किया गया कि डिवाइड करें जी आपके पास लिटरेसी लेवल क्या है या आपके पास लिटरेसी की मयार क्या है, और हमने उस मयार को रख दिया सिर्फ इस पर कि एक बंदा जो लिख सकता है और जो पढ़ सकता है वो ही लिटरेट है, जिसकी वजह से हमारे जो विट्स है, हमारे जो क्या कहते हैं, हमारे अक्लमंद लोग, हमारे बाशऊर लोग, हमारे बड़े बूढ़े, हमारे जो जो क्या कहते हैं मुखिया होते हैं मुख्तलिफ हमारे रीजन्स में, हमारे इलाके में कोई एक बंदा वहाँ का जो है वडेरा होता है। वडेरा तो मैं मेरा ख्याल है टर्म बहुत जो है ना नोटोरियस टर्म है, लेकिन बेसिकली जो वहाँ का क्या कहते हैं सरदार होता है, चीफ होता है, जो ये फैसले करता है, हमने उन्हीं को पहले तो उन्हीं को हमने जायल करार दे दिया क्योंकि उनको लिखना पढ़ना आता नहीं है। और दूसरी बात जो हो गई, सबसे बहुत बुरी बात ये हो गई कि जिसने भी 5 दर्जे तक तालीम हासिल की, हमने हमारी सोसाइटी ने उनको ऐसे लेना शुरू कर दिया कि ये समझदार लोग हैं क्योंकि ये पढ़ा लिखा लोग पढ़ा लिखा बंदा है। यही होता है आमतौर पर। अब अगर आप किसी गांव में चले जाएं कि गांव के बड़े बूढ़े सब एक ही बंदे के पास चले जाते हैं, यार तुम पढ़े लिखे हो, तुम्हें ज्यादा अक्ल है, तुम्हें ज्यादा शऊर है। तो बेसिकली हमने जो शऊर और अक्ल का पैरामीटर है उसको इतना लिमिट कर दिया है कि एक बंदा जिसको सिर्फ लिखना पढ़ना आए, ये सिर्फ एक स्किल है, वो आए तो हम उसको काबिल समझने शुरू कर देते हैं। और सेकंड थिंग, इंग्लिश, इंग्लिश हमने बेसिकली मयार कर दिया है कॉम्पिटेंस का। अगर कोई बंदा इंग्लिश बोल सकता है तो हम कहते हैं यार ये तो होशियार बंदा है, ये तो बड़ा कॉम्पिटेंट है। इवन हमारे स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में यही चल रहा है कि उसकी जहानत को हमने सिर्फ इंग्लिश के पैरामीटर में मेजर करना शुरू कर दिया है। ये है। अच्छा सर, एक तो जब इतने ज्यादा कॉन्सिक्वेंसेज हैं तो फिर हमने इंग्लिश को ही क्यों इतना इम्पोर्टेंट रोल दिया हुआ है कि हर हर किसी की सक्सेस के लिए इंग्लिश इम्पोर्टेंट पार्ट है? देखिए, ये इंग्लिश का असर नहीं है बेसिकली। अगर आप देखें हिस्ट्री तो पिछले 10,000 साल में यही होता आ रहा है, जिस कौम ने दुनिया पर रूल किया है उसके साथ उसकी लैंग्वेज ने भी रूल किया हुआ है। तो इस वक्त क्योंकि सबसे ज्यादा आपकी रिसर्च हो रही है वो इंग्लिश में ही हो रही है, इंग्लिश में ही प्रोड्यूस हो रही है, इंग्लिश कंट्रीज को ही हम डेवलप्ड कंट्रीज देखते हैं, कोई प्रॉब्लम आता है तो हम उन्हीं की तरफ देखते हैं कि अब ये कोई सॉल्यूशन निकालेंगे, क्योंकि हमने पहले से ही डिसाइड कर लिया है कि वो ज्यादा पढ़े लिखे हैं। क्यों पढ़े लिखे हैं? क्योंकि लैंग्वेज वो बोल सकते हैं, इंग्लिश उनको आती है, इंग्लिश आने की वजह से वो किताब पढ़ सकते हैं। अब पढ़ने और समझने में भी फर्क है। अब एक पढ़ना एक अलग बात है, लेकिन उसको समझ के अप्लाई करना एक दूसरी बात है। तो बेसिकली ये इंग्लिश दान जो है उनका कसूर नहीं है, ये कसूर है हमारी अंडरस्टैंडिंग का, क्योंकि हमने अपनी लैंग्वेजेस को अंडरमाइन किया हुआ है।
फिर जैसे चाइना और जर्मनी अपनी ही लैंग्वेज को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे होते हैं, तो उनके यहाँ को डेवलप कंट्री भी है, उनके यहाँ बहुत एक प्रोडक्टिव वे में उनकी मैन पावर बन रही है, लेकिन इन जी पाकिस्तान हम अपनी लैंग्वेज ऑब्वियसली आई थिंक सो, शायद ये मेरा ओपिनियन है या तो बहुत से ऐसे लोगों का होगा कि हम लोग अपने लैंग्वेज से थोड़ा दूर हो जाते हैं, तो अब हमारे क्वालिटी प्रोडक्शन होना मैन पावर की कम हो गई है, ऐसा देखिए, है? हम अपनी लैंग्वेज से दूर क्यों हो रहे हैं? सिर्फ हम लैंग्वेज से दूर नहीं हो रहे, हम अपने कल्चर से भी दूर हो रहे हैं, हम अपने वैल्यूज से भी दूर हो रहे हैं, और ये सब एक लैंग्वेज, एक डोमिनेंट लैंग्वेज का असर है हम पर। जो डोमिनेंट लैंग्वेज होती है, जब हम जो हमारे पास जो होती है सबॉर्डिनेट लैंग्वेजेस हैं, जो उर्दू हो गई, आपकी सिंधी हो गई, बलोची हो गई, पश्तो हो गई, हिंदको हो गई, पंजाबी हो गई, ये सारी सबॉर्डिनेट लैंग्वेजेस हैं, क्योंकि हमने डोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश रखी हुई है। और ये दुनिया का उसूल है कि जो भी सबॉर्डिनेट होता है वो हमेशा डोमिनेंट की तरफ जाना चाहता है। जब हम डोमिनेंट की तरफ मूव हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली हम अपनी वीक लैंग्वेज को या तो मार देते हैं या वो खुदकुशी कर लेती है, और हम अपने जो है ना डोमिनेंट लैंग्वेज की तरफ चले जाते हैं और डोमिनेंट लैंग्वेज को एडॉप्ट कर लेते हैं। अब उस एडॉप्शन से ये सिर्फ एक फैमिली पर असर नहीं होता, ये एक पूरी कम्युनिटी पर असर होता है, पूरी कम्युनिटी उससे अफेक्ट होती है। से शायद इसी वजह से अभी तक हम बहुत ज्यादा क्वालिटी प्रोफेशनल्स नहीं निकाल सके हैं इस मुल्क से, पाकिस्तान से ना, हमारे पास उस देखिए, क्वालिटी हमारे पास के। मेरा ख्याल है कि हमें क्वालिटी प्रोफेशनल्स की कोई कमी नहीं है। ये जो हम बात करते हैं कि वेस्ट ने ये किया और वेस्ट ने वो किया, वेस्ट ने कुछ भी नहीं किया, ये हमने खुद किया है। उन्होंने सिर्फ क्या किया है, ह्यूमन फॉर्मिंग की हुई है। उन्होंने यहाँ पर आकर जो यहाँ का टैलेंट होता है उसको उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि ये फार्म हाउस है उनके लिए, जो अच्छी प्रोडक्ट होगी वो लेकर जाएंगे वहां, और टैलेंट हमारे पास फिर भी मौजूद रहता है। सिर्फ मसला ये होता है कि जो हमने डिवीजन की हुई है, अब एक बंदा जो बहुत अच्छा रिसर्चर है, जिसको बहुत अच्छी तरह लिंग्विस्टिक्स का पता है, अब जरूरी तो नहीं है कि उसकी इंग्लिश भी इतनी अच्छी हो। अब इंग्लिश ना होने की वजह से वो बेचारा रह जाता है। हमारे यहाँ साइंटिस्ट ऐसे बहुत सारे हैं जिन्होंने बहुत सारी इन्वेंशंस की हैं, लेकिन बेचारों की इंग्लिश बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग नहीं है, जिसकी वजह से रह जाते हैं। तो ये जो डिवीजन की गई है, ये बहुत बड़ी थ्योरी है जिसको समझने की जरूरत है। मैं इस चीज से डिनाय नहीं करता कि इंग्लिश इम्पोर्टेंट नहीं है, इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप अपनी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस को मर्डर करके इंग्लिश की तरफ माइल हो। सिर्फ बेनिफिट्स क्या होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज के, अगर कोई भी स्टूडेंट इंग्लिश लैंग्वेज क्यों फीलिंगफुल होकर उसको सीखने के लिए, क्योंकि हमारे इन पाकिस्तान हम हमारे यहाँ दो तरह का एजुकेशन सिस्टम है, एक प्राइवेट स्कूलिंग सिस्टम है, गवर्नमेंट स्कूलिंग सिस्टम, और दोनों का एक लैंग्वेज सिनेरियो दोनों का बहुत डिफरेंट है। अब देखिए, हम हैं शिकार किस चीज के, जिसको हम कहें स्लेवरी के शिकार। हमारे यहाँ क्लास सिस्टम है। क्लास सिस्टम सिर्फ हमारे पास कास्ट सिस्टम पर नहीं है, हमारे पास क्लास सिस्टम एजुकेशन सिस्टम में भी हमारे पास क्लास सिस्टम है। एक बच्चा जो एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ रहा है और एक बच्चा जो एक प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है, वो घर में ही, बेचारे को जो प्राइवेट स्कूल से पढ़ रहा है उसको घर में ही सुपीरियोरिटी दी जाती है कि देखो तुम बाकियों से बेहतर हो क्योंकि तुम प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हो, और ये नाम है, और ये कैम्ब्रिज का स्कूल है, ये ऑक्सफोर्ड वाला स्कूल है, वहां पर तो सिर्फ इंग्लिश बोली जाती है, और ये वो। और जो बेचारा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता है, उस बेचारे को पहले से ही हमने इस चीज का शिकार बनाया हुआ है, एहसास से कमतरी का, कि भाई तुम तो गवर्नमेंट स्कूल के हो, तुम तो काबिल हो ही नहीं सकते, तुम्हारे पास तो टीचर्स अच्छे नहीं होते, तुम्हारे पास तो इंग्लिश स्पीकर्स नहीं होते, तो तुम कैसे तरक्की करोगे? और मुझे इसमें कोई शक नहीं, ना ही मुझे शर्म आती है कहने में, कि मैंने अपनी मिडिल स्कूल तक इंग्लिश इंग्लिश मीडियम स्कूल से तालीम हासिल की, और फिर मैंने सारी तालीम अपनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट से हासिल की है। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे कभी इस चीज का ख्याल नहीं आया, गुमान नहीं आया कि जी मैं कोई ज्यादा सुपीरियर हो गया हूं, और
जो गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं वो मुझसे कमतर हैं या मुझसे ज्यादा हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। ये सारा आपके माहौल, आपकी जो सराउंडिंग्स हैं उसमें ये सारी चीजें पलती हैं। बाकी वैसे फर्क कोई नहीं है, जो तालीम आपको गवर्नमेंट स्कूल से मिलेगी वही आपको इंग्लिश मीडियम से भी मिलेगी, वही प्राइवेट से भी मिलेगी। मसला है कि आप उसको कैसे ले रहे हैं, तालीम को क्या समझ रहे हैं। तालीम क्या ये है कि जिसमें मैं इंग्लिश बोल सकूं तो मैं तालीम याफ्ता हूँ, या मुझे इंग्लिश नहीं आती। फॉर इंस्टेंस मैं आपके साथ उर्दू बोल रहा हूँ, यहाँ पर मैं सिंधी भी बोलना शुरू कर दूंगा अगर सिंधी स्पीकर्स होंगे तो, बिकॉज मैं प्राउड हूँ अपनी लैंग्वेज पर, और मैं उसी लैंग्वेज की वजह से एक दूसरी लैंग्वेज पर मैंने अबूर हासिल किया है, और मैं दो तीन जबानें बोल सकता हूँ बिल्कुल फ्रीक्वेंटली बगैर किसी खौफ से। उसकी सिर्फ वजह यह है कि मुझे कोई कॉम्प्लेक्सिटी कभी किसी ने नहीं दी कि तुम इंग्लिश बोलोगे तो ज्यादा बेहतर इंसान बनोगे या तुम ज्यादा ग्रेड्स लोगे। मुझे कम से कम कभी भी लैंग्वेज का ये इन्फ्लुएंस नहीं लगा। हाँ, लेकिन हमारी सोसाइटी में बहुत बड़ा असर है इस चीज का। हम जी मुनीबा, स्टेटस कॉन्शियस हो जाते हैं अगर कोई बच्चा बहुत अच्छी इंग्लिश और बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ रहा है, तो इट्स मीन के वो अच्छी इंग्लिश जी बोल रहा है तो उसका स्टेटस बहुत अपग्रेडेड होगा और वो आगे जाके डॉक्टर या इंजीनियर बनेगा। और अगर किसी की इंग्लिश बहुत बुरी है तो इट्स मीन के वो आर्ट्स में जाएगा या फिर वो किसी ऐसे पेंटिंग या इस तरह के प्रोफेशन में जाएगा जहाँ पे इंग्लिश की जरूरत ही नहीं होगी। थैंक यू देयर इज मुनीबा, वन क्वेश्चन। आपने यहाँ यहीं पर, जी, मैं आ रहा हूँ क्वेश्चन पर, यहीं पर आपने डिवीजन बता दी कि बच्चा जब स्कूल में जाता है तो हमने उसको पहले ही बता देना होता है कि तुम इंजीनियर या डॉक्टर बनोगे तो ही कामयाब हो, अगर नहीं बनोगे तो तुम नाकाम होगे। ऐसा कुछ नहीं है, इंजीनियर और डॉक्टर्स आजकल बहुत ज्यादा बन रहे हैं, लेकिन उससे ये मतलब तो नहीं है कि सारे ही डॉक्टर्स कामयाब हैं, सारे ही इंजीनियर्स कामयाब हैं। जी एक सवाल था मेरा ख्याल यहाँ पर इरम का, इरम ने कहा कि जी अगर हुआ है अंग्रेजी, जी आप, जी मुनीबा Why आप still सवाल no पढ़ रहे cure थे। of coronavirus if English countries are developed and can do everything? देखें, यही सवाल इरम आप अपने आप से करें कि क्या इंग्लिश बोलने वाले के लिए ये जरूरी है कि वो इतना अक्लमंद भी हो? क्या ये जरूरी है? हमारे पास बहुत बड़े बड़े लिंग्विस्टिक्स, बहुत बड़े बड़े नाम रहे हैं पाकिस्तान में, तो जरूरी नहीं है कि वो इंग्लिश दान थे, वो लोकली थे, हमारे लोकल अपनी लैंग्वेजेस में उन्होंने उबूर हासिल किया, उन्हीं लैंग्वेजेस में उन्होंने अपने आप को मनवाया। ना वो डॉक्टर थे, ना इंजीनियर थे, ना को पायलट थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने अपना एक नाम कायम किया। तो लैंग्वेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए एक दुनिया का दरवाजा खोल रही है इंफॉर्मेशन का। इसके अलावा उसका आपकी पर्सनैलिटी पर, आपकी क्लास डिवीजन पर, आपके स्टेटस पर कोई असर नहीं होना चाहिए, जो हमारे यहाँ जो है ना बदकिस्मती के साथ असर होता है। इरम का एक और क्वेश्चन है। इन टुडेज एरा एवरी हाई लेवल स्कूल क्राइटेरिया अज्यूमिंग दैट ओनली फ्लुएंट इंग्लिश स्पीकर इज सक्सेसफुल पर्सन, व्हाई? थैंक यू वेरी मच इरम, आपका ये सवाल बहुत ही जेन्यून सवाल है। ये सिर्फ यहाँ पर नहीं है, ये जो है ना फोबिया पूरी दुनिया में है, ये जो मिथ है ये पूरी दुनिया में फैलाई गई है कि जो जिसको इंग्लिश आती है वो ही बड़ा कामयाब इंसान होता है। मैं आपसे एक अपना शेयर करना चाह रहा हूँ, एक एक्सपीरियंस साउथ अफ्रीका का। तो मैं ड्राइव कर रहा था साउथ अफ्रीका में, मेरे साथ एक पाकिस्तानी दोस्त थे, हम दोनों किंग अब्दुल अजीज यूनिवर्सिटी में उन दिनों पढ़ाते भी थे और मेरी पीएचडी भी चल रही थी। तो वो दोस्त मेरा साउथ अफ्रीका विजिट पे आया था, तो मैं उसको अपने साथ यूनिवर्सिटी दिखाने ले जा रहा था। तो रास्ते में हमें किसी बंदे ने रोका कि लिफ्ट चाहिए, हमने बिठा दिया। बड़ा गोरा चिट्टा सा बंदा, बिल्कुल अंग्रेज जैसे होते हैं, इंग्लिश ब्लू आइज के साथ, बड़ा कमाल का एक्सेंट था उसका। तो उसका नाम था स्मिथ, तो मैंने उसको लिफ्ट दे दी और रास्ते में हम बात करते गए। तो वो बता रहा था कि वो बड़ा अच्छा फॉर्मर है और फार्मिंग करता है, ये वो सारा उसने अपनी हिस्ट्री बताई। तो मैं अपने दोस्त मंसूर को ये कह रहा था कि यार मंसूर, ऐसा क्यों ना करें कि इस पर थोड़ा सा खर्चा कर लें, 5-7 हज़ार रियाल में एक सर्टिफिकेट इसको दिलवा दें इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का। बड़ी कमाल की इसकी इंग्लिश है, गोरी चमड़ी है, ब्लू आइज है इसकी, ये तो बड़ी अच्छी तरह से वहां पर डायरेक्टर बन जाएगा हमारे लैंग्वेज सेंटर का। तो
मंसूर भी कह रहा था हाँ यार ये बात तो बिल्कुल ठीक है। और इंटरेस्टिंगली उस बंदे को जब हमने बात की तो उसका एक्सेंट इतना कमाल का था कि वी वर शॉक्ड कि यार ये बंदा इजीली हमारी तरफ यानी कि मिडिल ईस्ट में इजीली किसी अच्छी पोजीशन पर काम कर सकता है लेकिन क्वालिफिकेशन कोई नहीं है। तो इसी तरह हमारे पास बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी थे, लैंग्वेज टीचर्स थे जो इंग्लिश पढ़ाते थे, जिनका एक्सपीरियंस ये था कि कोई बारटेंडर था, कोई ड्रमर था, कोई किसी क्लब में बाउंसर था, कोई ट्रेनर था, तो वो आकर यहाँ पर इंग्लिश पढ़ाते थे। उसकी वजह यही है कि ये जिस तरह से प्रोमोट किया गया है कि टीचिंग करने के लिए, खास करके इंग्लिश टीचिंग करने के लिए गोरा होना बहुत जरूरी है, तो मेरा ख्याल है ये फोबिया हमारे पास भी बहुत है क्योंकि पाकिस्तान में हम अफोर्ड नहीं कर पाते उनको, वरना हमारे सारे यूनिवर्सिटीज में वही होते हैं। सर एक अरसलान का एक क्वेश्चन है। अस्सलाम वालेकुम सर, आई हैव अ क्वेश्चन। वालेकुम हाउ सलाम। रीजनल डाइवर्सिटी प्ले स्टेशन इट्स रोल इन लर्निंग इंग्लिश? हाउ रीजनल डाइवर्सिटी प्ले स्टेशन इट्स रोल प्ले स्टेशन रोल इन लर्निंग इंग्लिश। देखिए रीजनल डाइवर्सिटी वही बात है कि देख लैंग्वेज का जो आपका लैंग्वेज पर जो असर होता है वो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जिनमें आपका लव टुवर्ड्स योर ओन कंट्री, आपका अपनी कौम के साथ प्यार, आपका अपने वैल्यूज और कल्चर्स के साथ प्यार, और अपना अपना रिलीजन के साथ प्यार। अगर कहीं भी फॉर इंस्टेंस हम बात कर रहे हैं किसी भी रीजन की, पाकिस्तान के कोई भी, मैं किसी एक को पॉइंट आउट नहीं करना चाह रहा, लेकिन कोई भी अगर आप सूबा उठा लें और वहां पर रिलीजियस एफिलिएशन ज्यादा है लोगों की, तो वहां पर फॉरेन लैंग्वेज स्पेशली द लैंग्वेज ऑफ नॉन रिलीजियस पीपल या उस जो उस रिलीजन से ताल्लुक नहीं रखते या नॉन मुस्लिम्स कह लें, तो उनके साथ जो उनकी कनेक्शन होगी वो लैंग्वेज के साथ भी वही कनेक्शन होगी। अगर वहां पर ज्यादा रिलीजियस लोग हैं जो अपने रिलीजन के बाहर किसी और को कोई समझते नहीं है, तो ऑब्वियसली उनके यहाँ रेजिस्टेंस भी बहुत ज्यादा होगी उस लैंग्वेज को सीखने के लिए। और जहां पर लोग चाहेंगे कि जी नहीं मुझे प्रोमोट होना है, मुझे आगे जाना है, और आगे जाने के लिए आपने अगर टारगेट रखा हुआ है कि डोमिनेंट लैंग्वेज सीखनी है, तो ऑब्वियसली वो वहां से उठकर डोमिनेंट लैंग्वेज सीखने आएंगे। मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को भी ये इंटरेस्टिंगली ये जो है ना एग्जाम्पल्स देता हूँ कि कभी कभी मेरे साथ ये भी होता है कि सिंधी स्पीकर, मैं खुद सिंधी स्पीकर हूँ, मैं शिकारपुर से बिलोंग करता हूँ, छोटा सा एक शहर है सखर के करीब, सखर से तकरीबन कोई 27 किलोमीटर पर है, तो मैं वहां से ताल्लुक रखता हूँ। तो अक्सर जब मुझे स्टूडेंट्स मिलते हैं यूनिवर्सिटी में और जब मैं उनसे सिंधी में बात करता हूँ, वो मुझसे उर्दू में बात करते हैं, तो मैं उनको कहता हूँ यार आप हैं तो सिंधी, सिंध रीजन से, यानी कि आपकी बेसिक्स जो हैं सिंध से हैं, सिंधी स्पीकिंग फैमिली हैं, आपके अम्मी अबू सिंधी बोलते हैं, आप क्यों उर्दू बोल रहे हैं, आप मुझसे सिंधी में क्यों नहीं बोल रहे? तो वो शाय फील करते हैं कि नहीं सर, क्योंकि उनके लिए डोमिनेंट लैंग्वेज उर्दू है। और जो लोकल कराची के लोग होंगे, फॉर इंस्टेंस एलीट क्लास की बात करें, जैसे एलीट यहाँ का तबका है डिफेंस का, तो यहाँ डिफेंस में फिर उनके लिए उर्दू बोलना शर्म का बायस बनती है। वो कोशिश करते हैं कि डोमिनेंट लैंग्वेज के पास जाएं, उर्दू ना बोलें इंग्लिश की तरफ जाएं, तो क्योंकि उनके लिए डोमिनेंट लैंग्वेज इंग्लिश है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो लैंग्वेजेस के डिफरेंसेस है, डोमिनेंसी है, और आपकी वीक लैंग्वेजेस हैं, सबऑर्डिनेट लैंग्वेजेस है, ये हमारे एशियन कंट्रीज में बहुत ज्यादा है और इनका बीज बहुत पहले बोया गया है जिसका आज तक हम समर हासिल कर रहे हैं। अब्दुल गनी सेठ के थैंक जी थैंक यू वेरी मच अब्दुल गनी जी। मुनीबा कोई सर, मुझे एक और क्वेश्चन के अब ऑब्वियसली हमने लैंग्वेज की बात की कि लैंग्वेज बहुत इम्पोर्टेंट है अभी और मॉडर्न वर्ल्ड में, तो अब इंग्लिश लैंग्वेज का मेनली डोमिनेंसी है। तो अब हम इन पाकिस्तान जी स्टूडेंट्स कौन सी ऐसे रिसोर्सेस को यूटिलाइज कर सकते हैं या किस तरह से अपनी इंग्लिश की फ्लुएंसी को एनहांस कर सकते हैं? क्योंकि एक बहुत बड़ा डिलेमा आता है यहाँ पे कि जब मुझे बहुत सारी नॉलेज है और मैं प्रेजेंटेशन देने खड़ी होती हूँ या मैं अपनी प्रोडक्ट को
हम बिलोंग करते हैं एंटरप्रेन्योर्स के, हम बिजनेस पढ़ रहे हैं, तो अब होता क्या है जब हम प्रेजेंटेशन देने खड़े हो रहे हैं तो हमारे पास वो वाली फ्लुएंसी नहीं होती है, या मैं या मेरी जगह कोई और कोई बंदा कॉर्पोरेट में भी खड़ा हो, अगर जाके प्रेजेंटेशन देना हो उसको ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स पता है अपनी रेलिवेंट प्रोडक्ट का, लेकिन उसको नहीं इतनी नॉलेज कि वो किस तरह से खड़े होके, इंग्लिश में फ्लुएंसी नहीं है कि वो किस तरह से डिलीवर कर सके चीजों को. तो ऑब्वियसली मेन पार्ट होगा इसका कि हमें इंग्लिश लैंग्वेज को बेटर करना पड़ेगा अपनी. तो उसके लिए किस तरह से हम इस चीजों को एनहांस कर जी सकते मुनीबा, हैं? आप सही कह रही हैं। मैं इससे कोई जो है ना मुख्तलिफ राय नहीं रखता। मैं यही राय रखता हूँ कि हाँ जी, इंग्लिश की ज़रूरत है। जैसे असद ने एक बहुत बड़ा कमेंट लिखा है, मेरे स्क्रीन पर आ रहा है, कि ये कह रहे हैं कि इंग्लिश कैन नॉट बी रिप्लेस विद इंडिजीनियस लैंग्वेजेस अनलेस वी प्रोड्यूस अवर सिलेबी इन नेटिव लैंग्वेजेस। अच्छा, मेरी यहाँ पर बात यह है कि हम रिप्लेस करने का तो सोच ही नहीं रहे। हम क्यों सोचेंगे कि अपनी इंडिजीनियस लैंग्वेजेस रिप्लेस हो, या इंग्लिश से रिप्लेस करें, या इंग्लिश को रिप्लेस करके इंडिजीनियस लैंग्वेजेस पर आए? नहीं, हम ये तो चाहते ही नहीं है। हम तो ये चाहते हैं कि इंग्लिश की जो वैल्यू है वो वहीं पर कायम रहे, लेकिन उसके साथ साथ हमारी जो इंडिजीनियस लैंग्वेजेस हैं उनकी कदर उतनी ही मजबूत रहे, उनको हम उतना ही मजबूत रखें। ऐसा ना हो कि हम अपने वैल्यूज भी खो दें, हम अपना कल्चर भी खो दें और हमारी लैंग्वेज भी मर जाए, क्योंकि हमने टारगेट लैंग्वेज कोई और रखी हुई है। इसमें मैं कभी भी ये नहीं कह रहा, और आगे ये बात कर रहे हैं असद के, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको लैंग्वेज की जरूरत है। जी असद, बिल्कुल, क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग किस लैंग्वेज में? सवाल मेरा ये होता है, पैदा हो रहे हैं आप पाकिस्तान में, सिंधी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, उर्दू बोल रहे हैं, और बहुत सारी जबानें हैं जो आप बोल रहे हैं, तो क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग तो आपकी उन्हीं जबानों में डेवलप होगी ना। क्रिटिकल अंडरस्टैंडिंग कब डेवलप होगी? जब आप एक दूसरे से इंटरेक्शन रखेंगे, और आपका इंटरेक्शन किससे ज्यादा होगा? उन्हीं लोगों से जिस कम्युनिटी में आप रहते हैं। और क्रिटिकली जब आप सोचते हैं तो आप हमेशा अपनी नेटिव लैंग्वेज में सोचते हैं, जिसको बाद में आप कन्वर्ट करते हैं इंग्लिश में, क्योंकि वहां पर इंग्लिश आपकी क्रिटिकल थिंकिंग को भी ब्लॉक कर देती है। हम जो अल्फाज अपने नेटिव लैंग्वेजेस में बोल सकते हैं या जिस फीलिंग से हम उनको इजहार कर सकते हैं, वो इंग्लिश में नहीं कर सकते, क्योंकि इंग्लिश हमारी लैंग्वेज नहीं है। इंग्लिश हम सीख रहे हैं, यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत जरूरी है, लेकिन क्रिटिकल थिंकर होने के लिए इंग्लिश सीखने की कोई जरूरत नहीं है। इब्ने खलदून ने इंग्लिश में किताबें नहीं लिखी थी, इब्ने खलदून ने कभी भी इंग्लिश में किताबें नहीं लिखी थी, आपके रूमी ने इंग्लिश में किताबें नहीं लिखी थी, आपके बहुत सारे ऐसे फिलोसफर्स हैं जिन्होंने इंग्लिश में किताबें नहीं लिखी, लेकिन उनकी किताबों को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया। किसके लिए? उन लैंग्वेज स्पीकर्स के लिए जिनकी लैंग्वेज इंग्लिश हो। लेकिन लोकली तो वो क्रिटिकली, अगर आपने उनकी स्टडीज की हो क्रिटिकली, तो आपको इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आपको उनकी जबान सीखने की जरूरत है। तो क्यों ना हम अपने सिंधी में ऐसे रिसर्च पैदा करें, या हम अपने इंग्लिश में, या सॉरी इंग्लिश की बात कर रहा हूँ, उर्दू में या पंजाबी में, जो हमारे पास इंडिजिनियस लैंग्वेजेस है, क्यों ना हम उनमें रिसर्च को ज्यादा प्रोमोट करें। मैं ये नहीं कहता कि इंग्लिश को ना करें प्रोमोट, करें, लेकिन अपनी जबान को आप स्टेबल रखें, अपनी जबान को जिंदा रखें, खुदा रहा उनको मरने मत दें सिर्फ इस चक्कर में कि इंग्लिश बोलूंगा तो स्टेटस को मैं कुछ ज्यादा इजाफा हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता। मैं बहुत सारे मुल्क घूम चुका हूँ, बहुत सारी जबानें सुन चुका हूँ, बहुत लोगों से मिल चुका हूँ। जितना प्राउड मैं अपनी जबान में फील करता हूँ, मैं किसी और जबान में फील नहीं करता। लोग भी ऐसे ही करते हैं। खुदा रा इस कॉम्प्लेक्सिटी से, इनफीरियोरिटी से निकलें बाहर और अपनी जबान को प्रमोट करें। सर, लेकिन इन पाकिस्तान ये एक चीज़ है कि अब हमें अगर खुद को प्रूफ करना है तो हमें इंग्लिश लैंग्वेज आनी चाहिए. हमें स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है हमने कि अगर मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी तो मैं सबसे पहली प्रेजेंटर होंगी, जो मैं उस पूरी वर्कशॉप में सबसे पहले प्रेजेंट कर रही होंगी. अगर मुझे बहुत अच्छी इंग्लिश आती होगी दैट्स मीन कि मेरे फ्रेंड सर्कल ज़्यादा होगा, मेरा सोशल सर्कल में हर वो पोटेंशियल पोटेंशियल बंदा होगा जो किसी और की सोशल सर्कल में नहीं होगा, मेरा सोशल सर्कल भी बहुत बड़ा होगा.
तो ऑब्वियसली अगर मुझे स्टैंड करना है सोसाइटी में, अगर मुझे मॉडर्नाइजेशन की तरफ जाना है, तो मुझे अपनी लैंग्वेज को इम्प्रूव करना पड़ेगा। पाकिस्तान में तो ये ट्रेंड देखें, है। बहुत अच्छी बात की आपने, मैंने ये कभी इनकार नहीं किया कि इसकी ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल ज़रूरत है, लेकिन एक बैलेंस की ज़रूरत है। आप इंग्लिश के साथ अपनी ज़बान का बैलेंस रखें, ऐसा ना हो कि आपकी इंग्लिश के चक्कर में आपकी अपनी ज़बान मर जाए। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूँ। अब बात कर रहे हैं हम कम्युनिकेशन की, आपने कहा कि कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। मेरा ये सवाल है आप सबसे, आई एम श्योर बहुत सारे आप यहाँ पर बड़े काबिल लोग बैठे हुए हैं, लिटरेट लोग बैठे हुए हैं, और बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन से भी बहुत सारों का ताल्लुक है। आपने एक कोर्स किया होगा कम्युनिकेशन स्किल्स का। कम्युनिकेशन स्किल्स कोर्स डिजाइन किसने किया, किसके लिए किया, कौन सी जबान में किया, ये तो थोड़ा सा मुझे बता दें। यही जो आप इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल कोर्स इंग्लिश में किया, अंग्रेज दान ने किया, यही कोर्स जो आप पाकिस्तान में कर रहे हैं, यही कोर्स आपको इंग्लैंड में भी मिलेगा, एग्जैक्ट सेम बुक आपको वहां मिलेगी, यही कोर्स आप साउथ अफ्रीका में भी करेंगी, यही बुक आप कनाडा में भी पढ़ेंगी। तो वहां पर किसके लिए लिखी गई है बुक? वो तो पहले से इंग्लिश बोलते हैं, जब इंग्लिश बोलते हैं तो इट मीन्स वो कम्युनिकेशन उनके स्किल्स बड़े स्ट्रांग होंगे। ये भी तो हो सकता है ना कि इंग्लिश बोल रहे हैं, वो तो इंग्लिश है, बचपन से वो इंग्लिश बोलते हैं, तो उनके तो कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े स्ट्रांग हैं, तो उनको क्यों जरूरत पड़ रही है कम्युनिकेशन स्किल्स की? उसकी वजह ये है कि कम्युनिकेशन स्किल्स में कहीं भी आपकी लैंग्वेज की बात नहीं हुई। मैं पढ़ा रहा हूं ये कोर्स, कहीं भी ये नहीं कहा गया कम्युनिकेशन स्किल्स में कि जी इंग्लिश बोलें। वहां पर कह रहे हैं कि आप जबान बोलें जो वो बड़ी फिल्टर्ड हो, बड़ी क्लियर हो और बड़ी कंसाइज हो, और आपका जो आपका जो जेस्चर्स हैं, आप जिस स्टाइल से उसको प्रेजेंट कर रहे हैं, उनका आपके वर्ड्स के साथ एक लिंक होना चाहिए। वहां कहीं भी ये नहीं कहा गया कि इंग्लिश जबान बोलेंगे तो ही आपके स्पीकिंग स्किल्स, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स बड़े स्ट्रांग होंगे। अता रहमान कह रहे हैं कि अगर हम अपनी लैंग्वेज, अगर हम किसी और लैंग्वेज में अगर हम लिख देते हैं कोई आर्टिकल, तो इतना रीचेबल नहीं होता लोगों के लिए जितना इंग्लिश से रीचेबल होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, अता रहमान की बात बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर ऑब्जेक्टिव क्या है स्टडी का? अगर मैं एक स्टडी कर रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस मैं एक स्टडी कर रहा हूँ पाकिस्तान के एक छोटे से शहर शिकारपुर के एक डिग्री कॉलेज पर, तो मेरा ऑडियंस कौन है? ऑडियंस तो मेरे पाकिस्तानी होंगे ना। सबसे पहले डायरेक्ट जो इम्पैक्ट पड़ेगा मेरे रिसर्च का, वो किन पर पड़ेगा? शिकारपुर के लोगों पर। शिकारपुर के बाहर आएंगे तो आपको सिंध के लोगों पर, सिंध से बाहर आएंगे तो पाकिस्तानी उन पर, सबसे बड़ा इम्पैक्ट उन पर पड़ेगा। उसके बाद अगर आपने दायरा और बढ़ गया तो शायद एक या दो फॉरेनर्स आपकी स्टडी पढ़ लेंगे, लेकिन जिनके लिए आपने स्टडी की है उनको तो समझ ही नहीं आ रहा। मैंने शिकारपुर वालों पर एक स्टडी की है और शिकारपुर के लोगों को ही पता नहीं है इंग्लिश में क्या लिखा हुआ है, तो मेरी स्टडी का क्या फायदा? उसने कैसे पर्पस सर्व किया? तो ये सोचने की जरूरत है। अगर आपकी स्टडी का स्कोप वर्ल्ड वाइड है तो ऑब्वियसली आप लिंगुआ फ्रैंका यूज करेंगे, इंग्लिश यूज करेंगे, क्योंकि सबको उसी लैंग्वेज में पढ़ते भी हैं, लिखते भी हैं और समझते भी हैं। लेकिन अगर आपकी स्टडी का स्कोप ही लिमिटेड होगा जो पाकिस्तानियों पर होगा, तो 80% पाकिस्तानी तो पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि उनको इंग्लिश आती नहीं है, और 20% में से कितने होंगे जिनका इंटरेस्ट है आपके टॉपिक में, तो आपकी स्टडी का फायदा क्या हुआ? वो तो डंप ही होंगे ना, वो तो लाइब्रेरीज में ही पढ़ी होंगी, जल ही जाएंगे, किताबों को कीड़े लग जाएंगे, तो फायदा क्या है आपकी ऐसी स्टडी का? फिर तो हम अपनी इंग्लिश लैंग्वेज को कैसे एनहांस कर सकते हैं? अब देखिए, इंग्लिश लैंग्वेज को इन्हांस करने के लिए आपको ये समझना चाहिए कि ये एक स्किल है। स्किल आप तभी डेवलप करते हैं जब आप उसकी प्रैक्टिस करते हैं, और प्रैक्टिस डिफरेंट वेज में होती है, और प्रैक्टिस भी टारगेटेड प्रैक्टिस होनी चाहिए। आपको जॉनरा जहन में रखना चाहिए कि आप किस लिए इंग्लिश सीखना चाहते हैं। क्या आपके लिए इंग्लिश सीखना ऑफिस में काम आएगा इसीलिए सीखना चाहते हैं, या आप पाकिस्तान से बाहर जाना चाहते हैं इमिग्रेशन के लिए, आपको इंग्लिश की जरूरत है? अगर
अगर बाहर जाना चाहते हैं तो किस किस्म की इंग्लिश की जरूरत है, अगर आप एकेडमिक फील्ड में आना चाहते हैं जहां पर आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी एज अ मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, तो वहां पर एक अलग रिक्वायरमेंट है। तो इंग्लिश के डिफरेंट जो है ना, आपको जॉनरास पर काम करना पड़ेगा कि आपको इंग्लिश सीखनी क्यों है आपका। सर एक यहाँ पे इंटरप्ट करती हूँ कि हमें एक एक चीज और भी ऐड कर लें यहाँ पे कि हमें स्टैंडर्ड रेस करने के लिए भी इंग्लिश सीखनी है। हाँ, स्टैंडर्ड रेज करने के लिए इंग्लिश सीखनी है तो वो आपका टारगेट डिफरेंट है। देखें, मैं वही कह रहा हूँ कि हर एक का ऑब्जेक्टिव डिफरेंट है। मेरे इंग्लिश सीखने की वजह सिर्फ ये थी कि मैं खुद इंग्लिश टीचिंग में आना चाहता था, और जब तक मुझे खुद नहीं आएगी मैं टीचिंग में नहीं आ पाऊंगा। दूसरा रीजन ये था कि मुझे शुरू से पीएचडी करने का शौक था, तो जब पीएचडी करने के लिए आप बाहर जा रहे हैं तो आपको एक ऐसा मीडियम होना चाहिए जो सब समझे, तो उसके लिए इंग्लिश की बहुत जरूरत थी। फॉर इंस्टेंस, अगर मैं आपको बताऊं कि मैं यहाँ पर एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ जिसका ताल्लुक इंग्लिश से नहीं है, जिसका ताल्लुक बिल्कुल इंग्लिश से नहीं है, मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस एक कोर्स पढ़ा रहा हूँ बायलिंगुअलिज्म का। अब बायलिंगुअलिज्म का इंग्लिश से कोई ताल्लुक नहीं है, तो इसमें क्या जरूरत है मुझे क्लास में लेक्चर इंग्लिश में देने की, जब मुझे पता है कि 80% स्टूडेंट शायद मुझे नहीं समझ पाएंगे, या मैं अपने लेक्चर को या अपने कॉन्सेप्ट्स को उस लैंग्वेज में ज्यादा बेहतर तरीके से समझा सकूंगा स्टूडेंट्स को जो सब समझ पाएंगे। हाँ, अगर आप इंग्लिश टीचिंग कर रहे हैं, आप इंग्लिश लैंग्वेज टीचर हैं, तो यकीनन आपको इंग्लिश बोलनी पड़ेगी, उसके लिए आपको इंग्लिश इंप्रूव करनी पड़ेगी। लेकिन अगर अब मैं आप जा रहा हूँ किसी मीटिंग में, जैसे अता का एक सवाल था कि हम मीटिंग में भी इंग्लिश बोलते हैं, जबकि ज्यादातर लोग इंटीरियर के होते हैं जिनकी इंग्लिश इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो मीटिंग का पर्पस क्या होता है? इम्प्रेस करना एक दूसरे को इंग्लिश में, या अपने आइडियाज को कन्वे करना, या किसी को परसुएट करना? अगर किसी को परसुएट करना है तो वो जबान इस्तेमाल करें जो सब समझ सकते हैं। उस जबान में जाकर आप इंस्पायर करने की कोशिश ना करें जो दूसरों को समझ ही नहीं आ रही। जी, अता ने जैसे बात की है कि अब हमारे पास जैसे फॉर इंस्टेंस सिंधी, पंजाबी, पठान और इंग्लिश स्पीकर्स हैं, तो ऑब्वियसली वहां पर ऐसी जबान बोलनी चाहिए आपको जो सबको समझ में आए, या ज्यादातर लोगों को समझ में आए, तो ये तो बहुत जरूरी है। लेकिन अगर आप कह रहे हैं कि 50 यहाँ पर हमारे पास ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिनको इंग्लिश नहीं आती, और 5 ऐसे बंदे बैठे हुए हैं जिनको इंग्लिश आती है, तो आपको फिर भी इंग्लिश बोलनी है, तो मेरा ख्याल है ये बहुत अनफेयर है। वो जो 5 बैठे हैं उनके लिए आप ट्रांसलेशन अरेंज कर सकते हैं, इंस्टेड ऑफ वो 50 लोगों का कॉन्सेप्ट खराब करने से बेहतर है। बिल्कुल सर। तो हम किस तरह से, फिर से वही मेरा क्वेश्चन कि हम कौन से ऐसे प्लेटफॉर्म को नॉक कर सकते हैं जहां से हमें अपनी कॉन्वर्जेशन या अपनी कम्युनिकेशन स्किल इंग्लिश की हम डेवलप कर सकें। बहुत सारे मुनीबा, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, बहुत सारे फ्री वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे कोर्सेज हैं, इवन पाकिस्तान में अमेरिकन काउंसिल रेलो के नाम से बहुत सारे कोर्सेज करवा रहे हैं। आप अगर मैसिव ऑन ओपन ऑनलाइन कोर्सेज की बात करें तो वहाँ पर भी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज आपको ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आप वो भी कर सकते हैं। आपके पास बहुत सारे एप्स हैं मोबाइल फोन्स पर जिनको आप इंस्टॉल करके लैंग्वेज सीख सकते हैं। बड़ा कॉमन सा ऐप है एक, ड्यूओलिंगो, DULINGO, ड्यूओलिंगो के थ्रू भी आप जो है इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। लेकिन ड्यूओलिंगो में सिर्फ इंग्लिश नहीं है, बहुत सारी और भी जबानें हैं, तो आप जो जबान सीखना चाहें वो भी सीख सकते हैं। तो आजकल एक्सेस टू इंग्लिश इज नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। इंग्लिश को सीखने के लिए बहुत सारी चीजें हैं। सर कुछ ऐसे बच्चे होते हैं या लाइक यंगस्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे छोटे बच्चे होते हैं, स्कूल गोइंग बच्चे, जिनकी इंग्लिश बहुत ज्यादा इंप्रूव नहीं होती है या बहुत फ्लुएंसी से वो इंग्लिश नहीं बोलते हैं, लेकिन उनके पास पोटेंशियल आइडियाज होते हैं, तो वो अपनी वो खुद जी के कॉन्फिडेंस को कैसे बूस्ट करके और अपने आइडियाज को भी डिलीवर कर सकें अपनी जितनी भी आती है इंग्लिश उसमें। देखें, अगर उनके पास इंग्लिश नहीं है तो क्या उनके पास आइडियाज नहीं है क्या? तो उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना चाहिए। टीचर्स की जॉब है कि उनको प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करें कि वो अपने आप को एक्सप्रेस करें।
चलें इंग्लिश में नहीं कर पाते, मैं अक्सर अपने सेशंस में, अपने लेक्चर्स में मैं स्टूडेंट्स को इनकरेज करता हूँ, अगर आप इंग्लिश में कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं तो आप उर्दू में बोलें, आप सिंधी में बोलें, आप अपनी जबान में बोलें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इनफैक्ट मैंने रिसेंटली एक कोर्स भी करवाया था किसी यूनिवर्सिटी में, वहां पर मैंने अपने MBA के स्टूडेंट्स को कम्युनिकेटिव स्किल्स के कोर्स में ये भी लिबर्टी दी थी कि जी आप कोई भी मोटिवेशनल टॉपिक उठा लें, 5 मिनट के लिए आप एक वीडियो बनाएं यूट्यूब पर और उस वीडियो को मेरे साथ शेयर करें, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो मोनोलिंगुअल हो, इंग्लिश में हो, बायलिंगुअल हो, मल्टीलिंगुअल हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मेरा जो पर्पस है आपको कम्युनिकेशन स्किल्स सिखाने का वो मुझे देखना है और उसका इंग्लिश लैंग्वेज से कोई ताल्लुक नहीं है। एंड इट वॉज ग्रेट सक्सेस, बहुत जबरदस्त उन्होंने मोटिवेशनल वीडियोस बनाए थे। Zishan Ali Khwaja share some thought. The thing is to deliver your message. Language is just a bridge of communication. So you have to use universal language dependence upon situation or circumstances that what language suits at that moment. अच्छा, thank you very much Zishan, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल मैं इससे मुत्तफिक, यूनिवर्सल लैंग्वेज हम वहीं बोलेंगे जहां पर यूनिवर्सैलिटी हो। आप अपने घर में 10 उर्दू स्पीकर्स बैठकर इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे तो वहां कहां पर इंग्लिश को आप डोमिनेंसी दे रहे हैं ना। हाँ, अगर आप बाहर जा रहे हैं, फॉर इंस्टेंस मैं कभी भी ये नहीं करता कि मैं अमेरिका गया हूं और वहां पर इमिग्रेशन वालों के साथ वहां पर छिड़ जाऊं कि नहीं जी मुझे तो अपनी जबान बोलनी है, ऐसे हो नहीं सकता, वो सिचुएशन डिफरेंट है, वहां पर उनकी सिचुएशन में उन्हीं की जबान बोलूंगा। हाँ, यहां पर बात आ रही है जहां पर पर्पस डिफरेंट है आपका, अगर मेरा पर्पस आपको परसुएड करना है, अगर मैं यहाँ आ रहा हूँ, फॉर इंस्टेंस आप कराची में मार्केट में जा रहे हैं एंड क्रेडिट कार्ड आपको सेल कर रहे हैं, आप अगर चले जाए फॉर इंस्टेंस कराची के बिल्कुल जहरा ऐसे एरिया में जहां पर लोगों को इंग्लिश नहीं आती और वहां पर जाकर आप बड़े टाई और फुल सूट और कोट से जाकर अपना मंजन बेचने की कोशिश करें इंग्लिश में, तो वो लेंगे आपसे? कभी भी नहीं लेंगे। तो वहां पर क्या जरूरत है उनके लिए? उन्हीं की लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेगी उनके जिंदगी आने के लिए। अब हमने फॉर इंस्टेंस आप लें 1850 के बाद जब बर्तानिया इंडिया में आई, सब कॉन्टिनेंट में जब उन्होंने इंट्रूड किया तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले जबान सीखी हमारी, उर्दू सीखी उन्होंने उर्दू सीखी। उसके बाद जब गए तो हमें उन्होंने विरासत में अंग्रेजी दे दी कि जी आप अब अंग्रेजी पर लड़ते रहो और आप अपना जो है ना एक मयार इंग्लिश पर सेट करो। हमारे लिए तो इंग्लिश मीन ऑफ कम्युनिकेशन थी, जैसे अभी मेरा ख्याल है इन्होंने बात की कि वो तो एक मीन ऑफ कम्युनिकेशन थी, हमने उस वक्त वो पर्पस फुलफिल कर लिया, वी आर आउट ऑफ इट, अब आप जाकर लड़ते रहो, क्योंकि हमने आप में ना सिर्फ डिविजन कर दी जियोग्राफिकल, हमने आप में कास्ट का भी सिस्टम इंक्लूड कर दिया, उसमें भी डिवीजन कर दिया, बाकी तो सब छोड़े, सबसे बड़ी डिवीजन जो हमने आप में कर दी, तकसीम कर दी, वो हमने जबान की कर दी आप में। तो अब आप जाकर लड़े, हमने अपनी जबानों को फोकियत देने की बजाय बाकियों को फोकियत देना शुरू कर दी। उर्दू को क्यों नहीं बोल रहे? हमारी उर्दू नेशनल लैंग्वेज है तो उर्दू में क्यों नहीं हम कम्युनिकेशन कर रहे? अब यहाँ पर फॉर इंस्टेंस मैं कल तक कोई कोर्स दे रहा था तो जिसमें मेरे पास फॉरेनर्स भी थे जिनमें उनकी जबान इंग्लिश थी, तो वो कोर्स क्योंकि था ही ग्लोबल कोर्स था तो मुझे इंग्लिश बोलनी पड़ रही थी। लेकिन आज जैसे आपके ऑडियंस हैं ज्यादातर पाकिस्तानी है और तकरीबन हर पाकिस्तानी उर्दू बोलता है तो इसमें मुझे उर्दू बोलने में कोई शर्म नहीं आ रही। अगर कोई ये समझे कि सुहेल इंग्लिश नहीं बोल पाता तो ये तो एक अलग बात हो गई, लेकिन सुहेल अगर उर्दू बोल रहा है तो उसकी वजह सिर्फ यही है कि मैं प्राउड पाकिस्तानी हूँ, मुझे अपनी जबान पर बहुत फख्र है, जिसकी वजह से मैं चाह रहा हूँ कि मेरे कॉन्सेप्ट्स उस जबान में ज्यादा प्रमोट हों जिसमें लोग समझ भी सके।
फिर हम एजुकेशन सिस्टम की अगर बात करते हैं, हम इन पाकिस्तान मेजॉरिटी स्कूल इन कराची ऑल्सो के, हमें एजुकेशन सिस्टम जो हमारा डिज़ाइन हुआ हुआ है, हम अगर नर्सरी या प्रेप से स्टार्ट करते हैं, तो हमें हमें एक इंग्लिश लैंग्वेज और इंग्लिश ग्रामर का एक सब्जेक्ट हमें एडिशनल पढ़ाया जाता है, जो हम टिल मैट्रिक पढ़ते हैं, फिर फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी पढ़ रहे जी होते हैं, लेकिन फिर भी हमारी वो स्किल डेवलप नहीं हो रही होती है कि हम किसी के साथ इजीली कम्युनिकेट कर सकें इन यूनिवर्सिटी या इन कॉर्पोरेट या प्रोफेशनल लाइफ में जाके। तो इसके इसमें कौन से बैरियर्स होते हैं या कौन से ऐसे इश्यूज होते हैं जो हम सीख नहीं सक रहे होते हैं, वो वाली लैंग्वेज जो हमें सीखनी है या हमें स्किल नहीं डेवलप हो रही होती है? मुनीबा, कभी आपने इमारत तामीर होते हुए देखी है? ऑब्वियसली सर, उसमें जब बेस डलता है तो बेस बहुत सॉलिड रखा जाता है, ऐसे ही है। उसके बाद इमारत बड़ी बनती है, उसके बाद आप जितना वजन इमारत पर रखें वो उतना हैंडल कर सकती है अपने बेस की वजह पे। हमारे यहाँ बेस ही गलत डाला गया है। बेस ये मैं नहीं कह रहा कि स्टूडेंट की गलती है, हमारे पास टीचर्स ही नहीं है जो लैंग्वेज को एज अ लैंग्वेज पढ़ाए। हमारे पास लैंग्वेज को लैंग्वेज तो पढ़ाया ही नहीं जाता, हमारे पास लैंग्वेज को एज लैंग्वेज स्किल्स पढ़ाया ही नहीं जाता। वजह यह है कि टीचर्स भी अवेयर नहीं है, टीचर्स को ही इस चीज की अवेयरनेस नहीं है कि भाई टेक्निकली लैंग्वेज को कैसे पढ़ाया जाता है। अब हम बात करते हैं कि हमने बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी कर दी, बेस तो है नहीं। अब जो बेस बनाने वाला है उसको बेस का ही पता नहीं है, तो आगे इमारत कैसे बुलंद होगी। हम बात करते हैं कि हमारे पास स्पीकिंग नहीं है, हमारे पास ये प्रॉब्लम है, हमारे पास वो प्रॉब्लम है। उसकी वजह यह कि हमने लैंग्वेज को कभी लैंग्वेज समझ के सिखाया ही नहीं है। तो बड़ा बहुत बड़ा फुकदान है हमारे पास लैंग्वेज टीचर्स का। हमारे पास इंग्लिश टीचर्स तो बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, लैंग्वेज टीचर्स है ही नहीं हमारे पास, जिसका बहुत बड़ा फुकदान है। सर, तो ये जो सेंटर्स होते हैं जो 3 माह में फ्लुएंसी के साथ अंग्रेजी सिखा रहे हैं, तो आपको लगता है कि अगर हमारी बुनियाद अच्छी जी नहीं है, फिर हम इनके पास जाके 3 महीने में फ्लुएंसी से इंग्लिश सीख सकते हैं? अगर 3 महीने में वो इंग्लिश सिखा सकते हैं तो मैं टीचिंग छोड़ दूंगा, मैं अपना कैरियर खत्म कर दूंगा। अगर कोई ये क्लेम करता है कि 3 महीने में फ्लुएंसी के साथ, 3 महीने में अगर उन्होंने आपको अच्छी तरह सबके सामने आकर बगैर किसी स्क्रिप्ट के 5 मिनट के लिए इंग्लिश बोलना भी सिखा दिया, तो समझ लें वो इंस्टीट्यूट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 3 महीने अच्छा, में तो इंग्लिश मतलब पर वो तीन कसूर मार्क तो तीन है। माह वाले, तो हाँ, वो ऐसे ही होता है जैसे हम ये आपने फेयर तीन एंड लवली दे दिया। अब आपने एक, फॉर इंस्टेंस, आपने फेयर एंड लवली दे दिया इनको, क्या नाम है इनका, क्रिस गेल को फेयर एंड लवली दे दिया और कहा कि देखें जी ये तो 7 दिनों में गोरे हो जाएंगे, तो ये तो इम्पॉसिबल सी बात है ना। तो ये तो यही कर रहे हैं सेंटर्स वाले, चलें जी ये फेयर एंड लवली की एडवर्टाइज हमने पकड़ा दिया आपको, जाएं और आप 3 महीने में, और 3 महीने के बाद आपको कहेंगे कि जी आपने तो प्रैक्टिस ही सही नहीं की थी ना घर में, आपके पास घर में प्रैक्टिस ही नहीं थी। भाई अगर मुझे घर में प्रैक्टिस होती तो मुझे आपके पास आने की क्या जरूरत थी? मेरे अम्मी अबू अगर इंग्लिश ही बोलते तो मुझे तो इंग्लिश सीखने की भी जरूरत नहीं होती, मैं तो इंग्लिश स्पीकिंग बड़ी अच्छी कर लेता। फिर तो मुझे इंग्लिश की राइटिंग के लिए सीखना पड़ता, इंग्लिश रीडिंग के लिए सीखना पड़ता, फिर तो मुझे स्पीकिंग में तो कोई इश्यू ही नहीं था ना। बिल्कुल। और अतः थैंक यू, उन्होंने एक प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ऑब्वियसली। तो सर बिल्कुल, बहुत डिटेल कमेंट कर चुके हैं सर। अच्छा, अब हमारी इंग्लिश बर्बाद हो गई है, अब हमने स्कूलिंग सिस्टम में अपने वो कंस्ट्रक्टिव जो वे था उसमें हमने नहीं सीखी, अब हम आ गए कॉर्पोरेट लेवल में, तो अब जी हम किस तरह से अपने अंदर ये वाले जी स्किल को ग्रूम कर सकते हैं कि हम उन 4 लोगों में स्टैंड आउट हो सकें, हम अब अपनी आपके अपनी चीज लिए, को भी हम दूसरों के सामने डिलीवर कर सकते हैं? अब आपके लिए इंग्लिश जरूरत बन गई है, ठीक है, बिल्कुल। आपको सीखनी ही है, कॉर्पोरेट में जाकर आपको सीखनी ही है। और सीखनी कैसे है? आपको कॉर्पोरेट लैंग्वेज ही सीखनी है, आपको आपको बिजनेस इंग्लिश सीखनी है, आपको जनरल इंग्लिश नहीं सीखनी। आपको ये सीखना है कि कस्टमर्स के साथ इंग्लिश में कैसे डील किया जाए, आपको ये नहीं सीखना कि रेस्टोरेंट में जाकर कैसे इंग्लिश बोली जाएगी। आपकी इंग्लिश फॉर स्पेसिफिक पर्पसेस होगी, जैसे
जिसमें आपका बेसिक पर्पस है बिजनेस डीलिंग, तो आप उसी पर फोकस करें, उसी एरिया में आप सीखें, उन्हीं डायलॉग्स को आप सीखें, उसी जो है ना जॉनरा में आप काम करें, तभी आपकी इंग्लिश उस लेवल में जाएगी जो आप कॉरपोरेट की बात कर रहे हैं। लेकिन उसका ये मतलब नहीं है कि आप वहां से निकलकर, बैंक से निकलकर अगर आप किसी जनरल टॉक देने जाएंगे तो आप इतना अच्छा बोल पाएंगे, जरूरी नहीं है, क्योंकि जनरल इंग्लिश में और आपके इंग्लिश फॉर बिजनेस पर्पसेस में बहुत ज्यादा फर्क है, तो आपको उसी लैंग्वेज को ही टारगेट करना होगा। सर एक क्वेश्चन होता है कि हम कुछ अब लास्ट में कुछ सम अप कर लेते हैं, हमारा टाइम भी एंड हो गया, लेकिन कुछ चीजें अभी बहुत सारी चीजें जो रह गई हैं और आपसे बहुत सारी चीजें पूछनी थी लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड है, तो एक हम स्कूलिंग सिस्टम हमारे यहाँ क्या ये चीज बहुत इम्पोर्टेंट है कि एक टीचर भले वो मैथ्स पढ़ाता हो या वो साइंस पढ़ाता हो लेकिन उसको इंग्लिश आना बहुत जरूरी है, बिकॉज स्कूलिंग का जो एचआर सिस्टम होता है, जो टीचर आके जो कैंडिडेट आके बहुत अच्छी इंग्लिश बोल देती है अपने इंटरव्यू टाइम पे, स्कूलिंग सिस्टम उसको फॉरन से हायर कर लेता है, बिकॉज के उनको अपना स्टैंडर्ड मेंटेन करना है कि हम इंग्लिश लैंग्वेज वाली एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं, तो हम अपने यंगस्टर्स को या अपने किड्स को जो स्कूल गोइंग है या कॉलेज गोइंग है, हम उनको किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं इन सब चीजों के लिए? देखिए, पहली बात तो हमारे पास जो टीचर्स हायर होते हैं उनके पास टीचिंग लाइसेंस होता नहीं है मोस्टली, मैं सबके लिए नहीं कह रहा, तो ज्यादातर टीचर्स के पास टीचिंग लाइसेंस होता ही नहीं है। अब मैं अभी रिसेंटली किसी कोरंगी के किसी स्कूल में गया था ट्रेनिंग क्या देने, है ये भी नहीं पता जी मैं वही उस पर आ रहा हूँ कि ट्रेनिंग देने गया, तो वहां पर जब टीचर से बात हुई कि जी आपने क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा रही है, कोई टीचर साइंस पढ़ा रही है, कोई टीचर मैथ पढ़ा रही है, कोई टीचर ज्योग्राफी पढ़ा रही है, और वो प्राइवेट इंग्लिश मीडियम स्कूल है, जब मेरी बात हुई उनसे तो उन्होंने कहा कि सर अब हम सुबह में चाय बनाने के बाद क्लास में आ जाते हैं, यहाँ से उठकर जाकर रोटियां पकाते हैं, हमने ना कभी टीचिंग की है ना कभी हमारे पास टीचिंग का एक्सपीरियंस है, तो और कोई काम था नहीं, क्योंकि हम औरतें हैं इसलिए टीचिंग हमें ज्यादा सूट करता है, तो हमारे पास तो बेसिकली टीचर का ही कॉन्सेप्ट गलत है ना। टीचर तो हम समझते ही नहीं है कि टीचर भी कोई स्किल्ड टीचर होते हैं, टीचर्स के लिए भी लाइसेंस होता है टीचिंग का, उस लाइसेंस में कभी भी अगर आप फिजिक्स के टीचर हैं तो आपकी लैंग्वेज पर फोकस नहीं करते, आपकी पेडागॉजी पर फोकस करते हैं, आपके कॉन्टेंट नॉलेज पर फोकस करते हैं, कभी भी आपकी लैंग्वेज नहीं कहेंगे कि जी आपकी इंग्लिश सही नहीं है तो आप अच्छे टीचर नहीं बन सकते। इंग्लिश टीचिंग के लिए अगर लाइसेंस लेना चाहें तो यकीनन उसमें आपकी लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है कि क्योंकि आप एक लैंग्वेज पढ़ाने जा रहे हैं तो आपकी खुद की लैंग्वेज भी इतनी स्ट्रांग है या नहीं है, तो ये हमारे यहाँ बहुत ही बड़ा एक डायलेमा है जिसको हल होने में टाइम लगेगा। मैं बहुत पॉजिटिव हूँ कि ये चेंज आएगी, हो सकता है मैं शायद चेंज ना देख पाऊं लेकिन मेरे बाद ये चेंज आएगी जरूर, जिस तरह से हम स्किल्स की तरफ जा रहे हैं, हम जो है ना जिस तरह से ये टेक्नोलॉजिकल चेंजेस आ रही हैं जो स्किल्स पर ज्यादा फोकस कर रही हैं डिग्रीज और सर्टिफिकेट से, तो मेरा ख्याल है कि हम रियलाइज करेंगे कि हमें स्किल्ड टीचर्स भी चाहिए जो अपने सब्जेक्ट्स में स्पेशलिस्ट हों और लाइसेंस होल्डर भी हों। ऑब्वियसली स्किल्ड होंगे तो लाइसेंस भी होगा उनके पास। सर जो लोग आईएलटीएस प्रिपेयर करना चाहते हैं आप उनके लिए कुछ टिप्स शेयर करना चाहें, जो लोग अपने आईएलटीएस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, जो लोग अपनी आईएलटीएस। अच्छा देखें, आईएलटीएस और टॉफल का पर्पस पहले तो देखें, पर्पस है क्या, आपको एक सर्टेन स्कोर लाना है, एक बैंड लाना है, और उस बैंड लाने के लिए आपको क्या करना है, आपको स्किल्स सीखने हैं, वो टिप्स फिंगर टिप्स पर होते हैं आईएलटीएस की बुक्स में, वही स्किल्स आप रट लें, जब आप एग्जाम में जाएं तो आपके सामने वो स्किल्स दिमाग में चल रहे हों और आप उस पर अटेम्प्ट कर लें। उस आईएलटीएस के एग्जाम्स या टॉफल के एग्जाम्स का आपके इंग्लिश कॉम्पिटेंस से कोई ताल्लुक नहीं है, ये याद रख लें, ये एग्जाम्स आपके सिर्फ एबिलिटी देख रहे हैं कि जी हाँ आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते, इसमें कॉम्पिटेंसी कहीं नहीं आ रही, और जो वो टेस्ट करना चाहते हैं वो स्किल्स हैं, खास स्किल्स हैं जिसके टिप्स उनके बुक्स में मौजूद हैं, वो दिए गए हैं।
अब इसमें एक बड़ा क्रिटिसिज्म ये आ रहा है कि मैं उर्दू स्पीकर हूं तो इसका मतलब ये तो नहीं हुआ कि मैं उर्दू में बहुत अच्छा लिख भी सकता हूं, ये जरूरी तो नहीं है। और क्या ये भी जरूरी नहीं है कि उर्दू में मैं इतना अच्छा ओरेटर भी हूं, मैं अपनी बात को इतनी अच्छी तरह से कन्वे भी कर सकता हूँ, ये जरूरी नहीं है। तो ये आयल्स और जो टॉफल के एग्जाम्स होते हैं इसमें नेटिव स्पीकर्स के लिए ये नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये जो मैं कह रहा हूँ बार बार मंजन मंजन, ये बड़ा कॉमन सा टर्म यूज होता है। तो ये जो इन्होंने ये टिप्स बनाई हुई हैं या ये पुड़िया जो बनाई हुई है आयल्स और टॉफल की, इसका बहुत बड़ा बजट है, एक बहुत बड़ा ये जो है ना जनरेट करती हैं, फाइनेंस जनरेट करते हैं इनके एग्जाम्स और इनके टेस्ट। और जब आप इनको क्लोजली मॉनिटर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसमें स्किल्स तो डेवलप होते ही नहीं है। मैंने खुद अपने स्टूडेंट्स ऐसे आयल्स स्टूडेंट्स जिनको टिप्स देकर 30 सेशंस में तैयार किया, जिन्होंने 6.5 बैंड भी लिए हैं, 7 बैंड भी लिए हैं, उसका कोई उनकी कॉम्पिटेंस ही ताल्लुक नहीं है। आयल्स बड़ा अच्छा दे देंगे, टॉफिल बड़ा अच्छा दे देंगे, जितनी दफा आप उनको एग्जाम देंगे वो बड़े अच्छे स्कोर ले आएंगे, लेकिन जब बोलेंगे उस खास सिनारियों के बाहर वो बोल भी नहीं पाते, वो लिख ही नहीं पाते, क्योंकि उनकी प्रैक्टिस सिर्फ उन्हीं स्किल्स पर हुई है। मैंने असल में एक आर्टिकल लिखा है आयल्स पर, अगर आप मेरे नाम से सर्च भी करेंगे, पीर सोहेल एंड आयल्स गूगल में सर्च करेंगे, तो आपको एक बड़ा जो है ना सिनिकल मैंने कुछ कमेंट्स और आर्टिकल लिखा था जब मैं खुद अपियर हुआ था रिसेंटली। मैं अपियर ही सिर्फ इसलिए हुआ था कि मैं एक दफा फिर एक्सपीरियंस कर सकूं, कि मैंने लास्ट टाइम जो आयल्स में अपियर हुआ था 2002 में हुआ था मेरा ख्याल है, तो वो एक्सपीरियंस और अब का एक्सपीरियंस बहुत डिफरेंस था। तो अब रिसेंटली जो मैं अपियर हुआ था 2018 में हुआ था, तो मैंने वो एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आयल्स में अप्लाई किया और मैंने स्कोर सिक्योर किया, लेकिन मैंने उस पर बड़ा अच्छा जो है ना अपना तजजिया लिखा है, थोड़ा सा फनी है लेकिन वो मेरा अपना है जो शायद थॉट प्रोवोकिंग है, बहुत बहुत सारे लोगों को समझ में आएगा। ओके सर, इन द लास्ट यू वांट टू ऐड समथिंग? हाँ जी, बस एक ही बात, अपनी जबान की इज्जत करें वरना आपकी जबान आपकी इज्जत नहीं करेगी। ओके ठीक है। एक बहुत अच्छा, ठीक एक है, इन द लास्ट आपने एक स्लोगन दे दिया लोगों को, होपफुली कि हम अपनी जबान की रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें, क्योंकि हम लोगों को अपनी अब उर्दू से ही बहुत ज्यादा बुरा लगने लगा है ना। कोई हमारे साथ कोई उर्दू ही बोल रहा होता है तो हम उसको अच्छा नहीं समझ रहे होते, हमारे स्टैंडर्ड सेट हुए हैं, हम उस स्टैंडर्ड और उस कल्चरल एक उसमें चले गए हैं। खैर, थैंक यू सो वेरी मच सर। इंशाल्लाह बहुत सारे लोगों के यहाँ पे कॉमेंट्स हैं, यहाँ बहुत सारे लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, सेशन की तारीफ कर रहे हैं, सलाम कह रहे हैं आपको, थैंक यू बहुत अच्छे लगे। एवरीबॉडी हु इज देयर। ये बहुत बड़ी बात है कि आप अपने टाइम से, बड़े अहम टाइम से टाइम निकाल कर आ रहे हैं और सुन रहे हैं, और यही चीज होती है जो स्पीकर्स को मोटिवेट करती है। थैंक बिल्कुल, यू वेरी मच। तो थैंक यू सो वेरी मच सर। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ एवरीबॉडी। अल्लाह हाफिज।